क्लास फिफ्थ इंग्लिश चैप्टर वन। आज हम क्लास फिफ्थ की इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। इसका चैप्टर वन है फनी शॉर्ट मैन। ये एक पोएम है। फनी शॉर्ट मैन मतलब जो छोटे आदमी होते हैं वो एक तरीके से मजाक बन जाते हैं। आई नो अ फनी शॉर्ट मैन एज नॉटी एज अ माउस। मैं जानता हूँ अ फनी शॉर्ट मैन, जो छोटे व्यक्ति होते हैं वो मजाक का कारण बन जाते हैं, जैसे एक चूहे के जैसे एक चूहा होता है वैसे। हु परफॉर्म्स द मिस्चीफ दैट इज डन इन एवरी वन हाउस। वो जो कि आपके घर में कोई भी मिस्चीफ बिहेवियर करते हैं और ये हर घर में होते हैं। देयर नो वन विद हिज फेस एंड डेस्पाइट वी ऑल एग्री। सब सहमत है कि ये किसी को भी फेस मतलब किसी के सामने नहीं आ पाते हैं, फेस नहीं कर पाते हैं। डेथ ईच प्लेट वी ब्रेक वॉच क्रैक माइंड बाई मिस्टर नो वन। ईच प्लेट मतलब जो उसमें प्लेट थी और जो ब्रेक था वो सब तोड़ दिया, सब तहस नहस कर दिया मिस्टर नो वन ने, जो किसी को दिख नहीं रहा था। This he who always spied our books, who leaves the door ajar। मतलब उसने अपनी बुकों को हमेशा जो इधर उधर रख देता था। And who leaves the door ajar, जो दरवाजे को खटखटाता रहता था और अपनी बुक्स को इधर उधर फेंक देता था या इधर उधर रख देता था, कभी भी एक तरीके से अच्छे ढंग से नहीं रखता था। He pulls the button from our shirts and spins pins upper। जो क्या कहते हैं ही पुल्स, पुल्स में सीधा होता है खींचना। द बटन फ्रॉम अवर शर्ट मतलब अपने जो शर्ट थी उसके बटन को वह पुल खींच देता था। एंड स्पीड्स पिन अपर और वह उनको गिरा देता था। दैट स्वेन डोर बिल अवे स्क्वेयर फोर प्री डन डू नॉट यू सी बी लीव द ऑयल टू डन बाई मिस्टर नो वन। उसने कहा कि जैसे आपने सुना है हमें किसी से भी अपना काम निकलवाने के लिए उसे दो तीन बातें मतलब अच्छी अच्छी करनी पड़ती है। जैसे कोई भी हमारा काम नहीं करता है तो हम सोचते हैं ये हमारा थोड़ा सा काम कर दे ताकि हम इसको थोड़ी बातें बना दें, जैसे एक तरीके से कहते हैं मस्का लगाना। इसी तरीके से वो कह रहा है वी लीव द ऑल इन टू डन मतलब मैंने अब बातें बनाना छोड़ दिया है, मतलब ऑयलिंग द डन वी लीव द तेल लगाना छोड़ दिया है। अब कोई अगर किसी को काम कराना है तो कराए वरना कोई बात नहीं। तो इसीलिए वह अपनी शर्ट के बटन को खींच रहा है और अपने जो सामान है उसको फेंक रहा है, इस तरीके से वो कर रहा है। He keeps dumb wood upon the fire। He keeps dumb upon wood upon the fire that kettles cannot boil। His are the fuel that bring in mud and all the crepe soil the papers always are misled who had them lost but he there nobody knows them about but Mr. No One। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि जो मिस्टर नो वन जो कोई नहीं है उसके बारे में बताया जा रहा है। वह आग पर नम लकड़ी को रख रहा है। देखिए इस आपकी पिक्चर में दिखाया रहा है, बुक ओपन करके देखना, जो नम लकड़ी को आग में रख रहा है। द केटल्स कैन नॉट बॉइल क्योंकि जो केतली है वो बॉइल उबल नहीं सकती। हिज आर द फीट दैट ब्रिंग इन मड उसके जो पैर हैं वे कीचड़ में बिगड़े हुए हैं, गंदगी में बिगड़े हुए हैं। एंड ऑल द क्रैप सोइल मिट्टी से सने हुए हैं और उसने पूरे घर को मिट्टी से गंदा कर दिया है। द पेपर्स ऑलवेज आर मिसलेड हु हैड देम लॉस्ट बट ही देयर नोबडी नोसेस देम अबाउट बट मिस्टर नो वन। और उसके जो पेपर होते हैं जैसे जरूरी कागज हैं वो उनको मिसलेड इधर उधर फेंक देता है और वो जब हो जाते
और ना ही उनके बारे में जानता है। और कहता है बट मिस्टर नोबल कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। द फिंगर मार्क अपॉन द डोर, फिंगर मार्क अपॉन द डोर मतलब दरवाजे पर उंगली से निशान बनाता है। बाई नन ऑफ अस इज मेड, उसके द्वारा दरवाजे पे निशान बनाता है। वी नेवर लीव द ब्लाइंड अनक्लोज टू लेट द कर्टेन फेड, मतलब पर्दों पर कुछ निशान छोड़ जाता है लेकिन वह अंधा व्यक्ति किसी को भी दिखाई नहीं देता है। टू इंक नेवर स्पिल द बोर्ड दैट लाइन अराउंड यू सी, टू इंक नेवर स्पिल जो इंक स्याही होती है उसको फैला देता है। द बोर्ड दैट लाइन अराउंड यू सी जो कि बोर्ड पर दिखाई, बोर्ड के चारों ओर दिखती है। एंड आर अवर बूट्स दे ऑल बिलोंग टू मिस्टर नोबडी, लेकिन फिर भी यही कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है और कोई नहीं दिखता है। तो इसमें एक छोटा आदमी है जिसने जो मजाक बन जाता है उसी के संबंधित इस पोएम में बताया गया है कि जो एक छोटा आदमी होता है उसको ज्यादातर लोग महत्व नहीं देते, ना ही उसे कुछ समझते हैं, इसीलिए वो एक चूहे की तरीके से बिहेव करता है। किसी के घर में चला जाता है तो किसी के मतलब हर किसी के घर में चला जाता है, उनसे मिसबिहेव कर देता है या फिर प्लेट्स फेंक देता है, उनके सामान को तोड़ देता है, शर्ट के बटन खींच देता है, दरवाजे पर खटखट करके आवाज लगाता है और नम लकड़ियों को आग में जलाता है क्योंकि वह समझता है कि केतली आग में बॉयल मतलब उबल नहीं सकती, और कीचड़ से पैरों को बिगाड़ देता है और सारी मिट्टी जो उसके पैरों में लगी होती है वह घर में सारी तरफ कर देता है। और अपने हमेशा अपने पेपर्स जो कागज होते हैं, इम्पोर्टेंट कागज, महत्वपूर्ण कागज, उनको हमेशा ही इधर उधर कर देता है और इससे सब परेशान हो जाते हैं। फिंगर्स मेक अपॉन दरवाजे पर उंगलियों से निशान बना देता है। बाई नन ऑफ अस इज मेड, उसके द्वारा वी नेवर लीव द ब्लाइंड अनक्लोज, वह किसी को नजर नहीं आता है और पर्दों को इधर उधर कर देता है। वी नेवर स्पिल द बोर्ड दैट लाइन अराउंड यू सी, और पैरों के निशान छोड़ जाता है और ऐसा ही व्यक्ति वह किसी को नजर नहीं आता है। तो इस पोएम में आपने क्या समझा, एक छोटा व्यक्ति जो किसी को नहीं दिखाई देता है, चूहे की तरह होता है, चूहे के लाइफ जैसा दिखता है और वह ये सब काम बिगाड़ देता है सबके घर में जाके और किसी को भी नजर नहीं आता है। तो ये पोएम आपको समझ में आ गई, 5th क्लास की चैप्टर 1 की पोएम है फनी शॉर्ट मैन। अब इससे जो रिलेटेड एक्सरसाइज है वो व्हाट्सएप पर ग्रुप में सेंड कर दी जाएंगी।